तो आज हम लोग टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग 8 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन में हमें एक्स एंड वाई दो वेरिएट्स के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स, जहाँ पर जीरो इज लेस देन वाई लेस देन एक्स लेस देन वन एंड बाकी सारे पॉइंट्स में इसका वैल्यू इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पर सी एक कॉन्स्टेंट है और वहाँ से हमें फाइंड करना है मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड आखिर में हमें इन दोनों वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंसी चेक करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं गिवन दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो कंडीशन है इससे हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर गिवन है जीरो इज लेस देन वाई लेस देन एक्स लेस देन वन। ओके, सो दैट इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले एक्स इक्वल टू वन लाइन हम इसमें ड्रॉ करेंगे। एक्स इज इक्वल टू वन लाइन मतलब कि 1.0 पॉइंट एंड वाई इक्वल टू एक्स लाइन, दिस इज द वाई इक्वल टू एक्स लाइन। ओके, वाई इक्वल टू एक्स, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1.1, दिस इज 0.0। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बोल सकते हैं सिंस जो एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है वो एक जॉइंट पीडीएफ है, इज ए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट पीडीएफ, डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई विल बी इक्वल टू वन। ठीक है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन सी इंटू इंटीग्रेशन सी, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू जीरो टू वन, ऑल्सो इंटीग्रेशन वाई इक्वल्स टू, हम वाई के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर वाई इक्वल्स टू जीरो से वाई इक्वल्स टू एक्स तक जा रहा है, सो वाई इक्वल्स टू जीरो टू एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन का रेंज होगा वो जीरो टू एक्स होगा, क्योंकि स्ट्रिप से हम देख सकते हैं वाई इक्वल्स टू जीरो से एक्स तक इसका रेंज जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू है सी एक्स, दैट इज एक्स एक्स डी एक्स डी वाई, सॉरी डी वाई डी एक्स, ओके डी वाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू वन, और सी इंटू इंटीग्रेशन एक्स इक्वल्स टू जीरो टू वन एक्स वाई, इंटीग्रेट करने पर हमें एक्स वाई मिलेगा, रेंज इज जीरो टू एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू वन, और सी इंटू इंटीग्रेशन एक्स इक्वल्स टू जीरो टू वन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वन, और हमें मिलेगा सी इंटू इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री रेंज जीरो टू वन इक्वल्स टू वन, और हमें सी इंटू वन थर्ड इक्वल्स टू वन मिलेगा, और सी का वैल्यू इक्वल्स टू होगा थ्री। ओके, तो कॉन्स्टेंट सी इक्वल्स टू हमें थ्री मिल रहा है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सी इंटू एक्स दैट इज थ्री एक्स, थ्री एक्स होगा, जहाँ पर जीरो इज लेस देन वाई लेस देन एक्स लेस देन वन एंड बाकी सारे पॉइंट्स में जीरो जीरो एल्सवेयर। ठीक है, अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है। ओके, सी के बाद हमें मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है, सो दी मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन फॉर एक्स एंड वाई आर, हमें एक्स के लिए एफ एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई इक्वल्स टू जीरो टू एक्स, वाई का रेंज जीरो टू एक्स थ्री एक्स डी वाई, और दिस इज इक्वल्स टू थ्री एक्स इंटू वाई रेंज जीरो टू एक्स दैट इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जीरो इज लेस देन एक्स लेस देन वन होगा। सिमिलरली फॉर वाई, हमें एफ वाई ऑफ वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स इक्वल्स टू वाई टू वन थ्री एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर इसका रेंज होगा वाई टू वन, मतलब कि हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू, दिस इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू इन टू वन माइनस वाई स्क्वायर वेयर जीरो इज लेस देन वाई लेस देन वन। ठीक है, तो अभी आखिर में हम बोल सकते हैं जो मार्जिन डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स एंड मार्जिन डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई एफ वाई ऑफ वाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू हमें मिलेगा थ्री एक्स स्क्वायर इंटू थ्री बाई टू इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई
दिस इज इक्वल्स टू 3x। इसके साथ ए एक नहीं हो रहा, इक्वल नहीं हो रहा, सो दे आर फोर हम बोल सकते हैं दी वेरिएबल्स, दी रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो अभी 11th क्वेश्चन में हमें एक्स एंड वाई रैंडम वेरिएबल्स के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2 व्हेन एक्स प्लस वाई इज लेस देन 1, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0 एंड बाकी सारे पॉइंट्स में इसका वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से हमें वाई के लिए कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे, एक्स प्लस वाई लेस देन 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, ये हमारे गिवन इन्फॉर्मेशन है। सो दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 लाइन, वाई इक्वल टू 0 लाइन। अभी हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन लेंगे, तो मान लेते हैं दिस इज दी 1,0 लाइन, दिस इज दी 0,1 लाइन। सो इन दोनों को अगर हम मिला दें दैट विल बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन, ठीक है। अभी हमें चाहिए कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स टू एक्स, ओके रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो सबसे पहले हमें एक्स के लिए मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना होगा। सो एफ एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमें पता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई इक्वल्स टू वाई का जो रेंज होगा अगर हम स्ट्रिप ले लें वाई विल बी 0 टू 1 माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, सो वाई इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स, ये वाला रेंज होगा इंटीग्रेशन का, टू डी वाई, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई 0 टू 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, जब 0 इज लेस देन 0 इज लेस देन एक्स लेस देन 1, ओके। देयरफॉर हम बोल सकते हैं दी कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, दी कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई गिवन रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स विल बी एफ एक्स ऑफ वाई गिवन एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस एक्स। यहाँ पर जो कॉन्डिशन होगा दैट इज 0 लेस देन वाई लेस देन 1 माइनस एक्स, ओके। सो हेंस द रिजल्ट।